टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में तीसरी बार जमीयतुल उलमा हिंद के सदर चुनकर मौलाना वहाब कासमी आए हैं। आपको बता दें कि जमीयतुल उलमा हिंद हर दो साल में चुनाव करवाती है और इसी चुनाव में सदर, सेक्रेटरी, खजांची चुने जाते हैं और इसी तरह से 8 नवंबर को भी मुमरा कौसा में चुनाव हुआ है। ये चुनाव महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी, मुफ्ती हाफिजुल्लाह कासमी, हाफिज मोहम्मद आरिफ और मौलाना हयातुल्लाह कासमी, मोहम्मद आलम साहब कासमी के निगरानी में ये चुनाव कराया गया और ये चुनाव संपन्न होने के बाद पता चला कि तीसरी बार मुमरा कौसा के सदर मौलाना वहाब कासमी को चुनकर लाया गया है। वहीं खजांची जो है सैयद इस्माइल साहिल को चुना गया है और इसके अलावा सेक्रेटरी मौलाना शफीकुर रहमान नदवी और ज्वाइंट सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल बासित कासमी को बनाया गया है। नायब सदर मौलाना मुख्तार अहमद कासमी को बनाया गया है। ये चुनाव जो हुआ है दारुल फलाह के चीफ ट्रस्टी अनीस घारे और मौलाना फरीद अहमद के सरपरस्ती में हुआ है। तीसरी बार मुमरा कौसा से जमीयतुल उलमा हिंद के सदर चुने जाने पर मौलाना वहाब कासमी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मौलाना साहब, जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से क्या प्रोग्राम रखा गया था और इसमें जो वोटिंग हुई है इसमें सदर कौन चुना गया? अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयतुल उलमा हिंद हिंदुस्तान की एक कदीम जमात है जो हमारे बुजुर्गों ने कायम किया था। तकरीबन 102 साल उसके क़याम के हो गए हैं और हर दो साल पर पहले मेंबर साजी होती है, उसके बाद हर यूनिट, हर शहर, हर ज़िले का इंतखाब होता है, सूबे का इंतखाब होता है, तो वही सब इंतखाबात चल रहे थे। कल जो है मुमरा कलवा की बारी थी। मुमरा में जो जमीयतुल उलमा अरशद मदनी है उसकी जो यूनिट है उसका भी टर्म पूरा हो गया था, तो ये दूसरे टर्म के लिए इंतखाबात थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतखाब हुआ और इंतखाबात के मुशाहिदीन में हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी, मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब और हाफिज आरिफ साहब, मौलाना हयातुल्लाह साहब कासमी नवी मुंबई से और मौलाना मोहम्मद आलम साहब वो भी नवी मुंबई से, तकरीबन 6 मुशाहिद आए हुए थे और उनकी निगरानी में जमीयतुल उलमा का इंतखाब हुआ इसहाकिया मस्जिद में। और अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा एहसान रहा, हमारे शहर के उलमाए किराम और हमारे शहर के लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया और कहा कि इस बार भी मौलाना अब्दुल वहाब को ही सदारत करनी चाहिए क्योंकि उनका काम अच्छा है, हमारे काम से लोग मुतमईन रहे। क्योंकि इस्लामुद्दीन भाई, हम जो काम करते भी हैं ना, तो अपने तमाम साथियों को लेकर और कभी भी कोई भी काम हो सबसे मशवरा करके काम किया जाता है। तमाम उलमा को फ़ोन किया तो कर दिया जाता है या उनसे मीटिंग की जाती है, मीटिंग करके कोई भी हिंदुस्तान के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कोई आसमानी आफत आई हुई हो, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं आग लग गई, कहीं पानी की तकलीफ़ है, तो हम लोगों ने हम लोग मशवरा करके हर जगह पहुँचने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए कोकण में जो सैलाब आया, उस सैलाब के लिए तकरीबन जमीयतुल उलमा महाड में और चिपलून में सैकड़ों मकान बनवा रही है और काम चालू है, बहुत तैयार भी हो गए हैं। जब से सैलाब आया है तब से काम शुरू है और चालू है। तो जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र उसके निगरानी के लिए भी कभी भेजती है, वहाँ भी जाके देखते हैं और ख़ासकर हमारे मुमरा शहर के लोगों ने उस तामीरात में बहुत अहम रोल अदा किया है। यहाँ से भी चंदा गया है, तकरीबन 6-7 मकान का चंदा तो जमीयतुल उलमा मुमरा से गया हुआ है और उनका वो पैसा वहाँ लग रहा है। जिन लोगों ने ताउन किया है अल्लाह तबारक तआला उनको इज्जत देंगे, उनको बरकत देंगे और ये काम हो रहा है, ये जमीयतुल उलमा की तरफ से हो रहा है। मौलाना साहब, कितने वोट मिले थे आपको और आप कितनी बार बन चुके हैं सदर? तकरीबन 80 से 85 या 90 लोग उलमाए किराम शहर के रहे हैं और ये मेरा तीसरी मरतबा था, दो मरतबा भी मैं ही था और ये तीसरी मरतबा भी बिला मुकाबले के इत्तेफाक़ी राय से शहर के उलमाए किराम ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे इस काम के लिए मौजू समझा और मैं भी
हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि शहर के लिए, मुमरा शहर के लिए, जमीयतुल उलमा के लिए और आवाम के लिए, ख़ासकर उलमाए किराम के लिए मेरी कोई खिदमत, मेरी मेहनत काम आए और मैं इंशाल्लाह कोशिश करके उसको पूरा भी करता रहूँगा।